दोस्तों, आज के इस वीडियो में ही हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आपने सर्विस प्लस की इस वेबसाइट से आवासीय या आय या जाति या किसी भी तरह का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई किया था, बट जो ड्यू डेट था वो डेट भी बीत गया, वो डेट भी चले गया है, लेकिन अब तक आपको जो है आपका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उसमें अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि और मुझे व्हाट्सएप भी बहुत मैसेज कर रहे थे कि ड्यू डेट भी ख़त्म हो गया लेकिन अब तक अंडर प्रोसेस ही बता रहा है, तो अंडर प्रोसेस का सॉल्यूशन हम लाए हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। और आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जीशान मोनिटर, तो आप YouTube पे सर्च कर लेंगे जीशान मॉनिटर, तो आपको इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी काम के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके यूजफुल वीडियो जो आपके काम आ सकता है वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बिहार का जमीन का दस्तावेज कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी तरह का नंबर या नाम का, बहुत सारे वीडियो यहाँ पर बनाए गए हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट ये भी बनाया गया है, तो ये देख लीजिएगा, मैं पूरी एक एक करके वीडियो में नहीं बता सकता, लंबा हो जाएगा, इसलिए आप देख लीजिएगा। चलिए हम वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले करना कुछ नहीं, सर्विस प्लस की वेबसाइट को आपको लॉग इन कर लेना है। सर्विस प्लस वेबसाइट पर आकर लॉग इन कर लेना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं लॉग इन कर चुका हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, या आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके द्वारा जितने भी सर्टिफिकेट बनाए गए सभी आ जाएंगे, और जो बन चुका है, जो आ चुका है उसका डिलीवरी दिखाएगा, जो बन नहीं बना है ये देखिए अंडर प्रोसेस, देखिए इसका ड्यू डेट जो है 27 तारीख 7 महीना 2019 को 27 तारीख को मिलने का डेट था ये, लेकिन आज 8 तारीख हो गया अभी तक ये नहीं मिला है, अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका अंडर प्रोसेस है तो इसको करना कुछ नहीं, सिंपली इसका एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस नंबर जो है इसको कॉपी कर लेना, चलिए इसका एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेना और ड्यू डेट याद रख लीजिए। उसके बाद आपको आना यहाँ पे मैसेज अलर्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम मैसेज अलर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फीडबैक फॉर्म आपको क्लिक करना होगा। जैसे फीडबैक फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको किस तरह का रिलेटेड है तो वो आप जनरल या किस सर्विस के रिलेटेड वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और किस सर्विस के रिलेटेड वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे EWS के रिलेटेड कर रहा हूँ तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे ये कुछ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ फीडबैक में एक मैसेज लिख देना है, जिसमें लिखना है मेरा नाम ये है, मेरा एप्लीकेशन ID ये है, मेरा मैंने इसको इतनी तारीख को अप्लाई किया था और ड्यू डेट इतना तारीख को है लेकिन अभी तक नहीं बना है, अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए मैं टाइप कर लेता हूँ फीडबैक को, तो आप लिख लीजिएगा एक फीडबैक मैसेज टाइप कर लीजिएगा, जिसमें लिखिएगा मेरा नाम ये है, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा एप्लीकेशन ID ये है, मेरा ड्यू डेट इतना तारीख को था, इतना इस डेट को मेरा ड्यू डेट था लेकिन आज इतना डेट तारीख हो चुका है तो लेकिन अभी तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इतना चीज़ लिखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ये प्रक्रिया किया है तब ये मुझे बना है। मैं आपको एक स्टेटस भी दिखा देता हूँ, देखिए ये जो मेरा था पहले मैंने सबमिट किया, देखिए ये जो आपको दिख पा रहा है यहाँ पे देख पा रहा है 1 2 3 4 डिलीवरी यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए 27 तारीख को जो एक था ये हमको मिल गया था और 3 जून नहीं मिला था। जैसे मैंने ये मैसेज जो सिस्टम बताया, मैंने आपको मैसेज पे क्लिक करना है और फीडबैक पे फॉर्म पे क्लिक करना है, तो जैसे मैंने फीडबैक दिया था उसके एक हफ्ता के अंदर ये सारा सर्टिफिकेट हमको डिलीवरी कर दिया गया है। जो ब्लॉक लेवल के सर्टिफिकेट था जिसका मैंने फीडबैक दिया था उसको एक हफ्ता के अंदर डिलीवरी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 16 तारीख को डेट था, अभी 8 तारीख को डिलीवरी कर दिया गया, ये भी 9 का डेट था, ये 8 को ही डिलीवरी कर दिया गया है।
ये फीडबैक मैंने दिया तो उसके बाद ये मेरा एक हफ्ते के अंदर बन के रेडी हो गया। अगर आपका भी समय लग रहा, आपका ज़रूरत है तो आप भी इसी तरह फीडबैक दीजिए तो आपको भी बन जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। और जब भी बन जाएगा तो आपको एक SMS आ जाएगा, तो SMS में बताया जाएगा कि आपका आवेदन, आपका सर्टिफिकेट तैयार है बनकर। आप सर्विस विलेज के इनबॉक्स बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आपको मेल पे भी मिल गया होगा, मेल पे भी भेज दिया जाता है अगर आप अप्लाई करते हो तो ईमेल एड्रेस देते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सीखे, अगर आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आप फीडबैक दीजिए तो आपका एक हफ्ता के अंदर बन के रेडी हो जाए, क्योंकि ये मेरा, मैंने इसको ट्राई किया, जब मेरा ये हो गया सक्सेस, ये फीडबैक देने के एक हफ्ते के अंदर मेरा सर्टिफिकेट को बनकर रेडी कर दिया गया। या 16 तारीख को जो डेट था वो फीडबैक के द्वारा ये आपको मैं 8 दिन पहले ही मुझे मिल गया। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बहुत पसंद है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।